पॉपुलर कल्चर में जब पिकअप ट्रक्स मेंशन करते हैं तो नाम आता है अमेरिका का। फोर्ड 150, डॉज रैम, टोयोटा टुंड्रा पिकअप ट्रक्स अमेरिका की जान और शान है। पर इंडिया में पिकअप ट्रक्स का मतलब ही बदल जाता है। पिक्चर में आता है एक बोलेरो पिकअप या टाटा योद्धा, ट्रक बेड पे रखा है दूध, सब्जियां और जानवर। प्रॉब्लम है कि इंडिया में पिकअप ट्रक्स को बहुत जजमेंटल निगाहों से देखा जाता है, गाड़ी तो समझते ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन में भी एक एसयूवी या सेडान को व्हाइट प्लेट्स मिलते हैं एलएमवी लाइसेंस पर, एक पिकअप ट्रक पे लगेंगे येलो प्लेट्स कमर्शियल लाइसेंस पर, और अगर कमर्शियल है तो नेशनल परमिट भी लगेगा। अब आप बोलेंगे कि पिकअप ट्रक्स का साइज एक प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस को बड़ी गाड़ियां नहीं पसंद, फॉर्च्यूनर एंडेवर ग्लॉस्टर को देख लो, पर क्योंकि वो फैमिली कार वाली फीलिंग नहीं आती तो पिकअप ट्रक्स यहां मात खा जाते। अंत में बात इसी पे आती है कि पिकअप ट्रक्स के साथ एक टैबू, एक इमेज जुड़ी है जो इसके ग्रोथ को रोकता है। हालांकि दाद देनी पड़ेगी इसुजू की डीमैक्स और रिसेंटली टोयोटा हाइलक्स की, जिसने इंडिया में पिकअप कल्चर को पुश तो किया। ऑनरेबल मेंशन जाता है टाटा मोबाइल 206 को, जिसकी लेगेसी आज भी टाटा ज़ीनॉन के नाम से शान से चल रही। क्या आप अपनी नेक्स्ट फैमिली कार के लिए पिकअप ट्रक लेंगे? और ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।